मंडी के पड्डल मैदान में जेबीटी कर चुके बेरोजगार विद्यार्थियों ने एक बैठक की। इस बैठक में जेबीटी के विद्यार्थियों द्वारा यह चर्चा की गई कि जेबीटी के पद पर बीएड प्रशिक्षु के आवेदन करने के आदेश पर रोक लगाने के लिए जेबीटी प्रशिक्षु लामबद्ध हो गए हैं। प्रशिक्षु अभिषेक ने कहा कि उन्होंने मंडी डाइट से जेबीटी की हुई है। उन्होंने कहा कि जेबीटी की पढ़ाई बीएड की पढ़ाई से अलग होती है। जेबीटी की पढ़ाई पहली से पांचवी कक्षा के बच्चों के सिलेबस के आधार पर करवाई जाती है और बीएड की पढ़ाई छठी क्लास से आठवीं कक्षा तक करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा 18 जनवरी 2019 को निर्णय दिया गया कि बेरोजगार बीएड प्रशिक्षु भी जेबीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे जेबीटी प्रशिक्षुओं में रोष है। उन्होंने कहा कि पहले से ही जेबीटी के काफी प्रशिक्षु बेरोजगार पड़े हुए हैं और अब जेबीटी की जगह बीएड को आवेदन के लिए योग्य मानना न्यायसंगत नहीं है, लिहाजा इस पर पूर्णतया रोक लगाई जाए। और मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ जेबीटी के लिए। तो पहला मेरा तथ्य है कि जैसे टीजीटी वालों को अभी बीएड वालों को अलाउ किया गया है जेबीटी वालों के साथ, तो जेबीटी और टीजीटी का सिलेबस पैटर्न अलग अलग होता है, तो उसके आधार पर अब बीएड वालों को हम जेबीटी में अलाउ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ऐसी है कि जेबीटी जो होते हैं वो प्राइमरी लेवल के तक अलाउ किए जाते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, लेकिन जो टीजीटी होते हैं उनको सिक्स टू एट क्लास की साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है और हमारे को फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाई जाती है। तो इस तथ्य पे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जेबीटी वालों के साथ अन्याय हो रहा है और टीजीटी वालों को ऐसे ही जेबीटी के अंदर जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, मंडी डाइट से मैंने जेबीटी की हुई है और आज हम एक जगह इकट्ठा हुए हैं जो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बाकी करसोग से, मंडी से, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे मीटिंग में भाग लेने आए हैं। जैसा कि हाल ही में हमने सुना कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएड वाले भी जेबीटी कमीशन में भाग ले सकते हैं, तो हम उसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग उनका रूल ये था कि जहाँ पे जिस प्रदेश में जेबीटी के छात्र कम है वहाँ पे बीएड वालों को लॉ किया जाए। तो जेबीटी में इतने बेरोजगार छात्र हैं ऑलरेडी पढ़े हुए, हमें बीएड की इसमें लॉ नहीं करना चाहिए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।